तो फ्रेंड कैसे आप लोग, आइए आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। हमारे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज है दशहरा, बहुत ही खुशी का दिन है, तो सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। देखा आपने, इसे हमने अभी पानी डाल चुके हैं अपने पौधों में, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप सभी लोग भी पौधे लगाइए जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, आने वाली नई पीढ़ी को भी ऑक्सीजन मिल सके। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता हो या ना पता हो, सुषमा दीदी की जिया थे, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है, खून की उल्टियाँ वगैरह भी हो रही थी। तो सिमाई दीदी उनके लिए ग्वालियर ले गई हैं भर्ती कराने के लिए। तो सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और ठीक रहें। जैसे मामा चले गए थे तो बहुत ही दुख हुआ था, वैसे उनके जीजा भी पूरा परिवार पाल रहे हैं। वैसे सिमाई दीदी खर्चा उठा रही हैं, वो भी खेत वगैरह देखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके बहुत बच्चे हैं, इसलिए वो हमें ठीक रहें, यही प्रार्थना भगवान से है। सिवाई दी लेके गई तो है, अब देखो क्या होता है, जैसी सूचना होगी तो आप लोगों को हम बताएंगे, पर भगवान जल्दी ठीक करने। सुमन दीदी तो बहुत ही अच्छी हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग गए थे तो कितने प्यार से साथ बैठाला था, साथ में रहे थे। सिवाई दी नहीं मिली थी, और जो भी कोई पहले मतभेद था, मैंने तो भगवान पर सब छोड़ दिया, कोई बात नहीं, स्ट्राइक वापस ले जाने लें, पर हम सोच रहे हैं अपनी जो इंसानियत है उस पर हमेशा कायम रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सिवाई दीदी के या जल्दी ठीक हो जाएं, मेरी मम्मी भी ठीक रहें, हमेशा सही रहें। हमारे बीच शिवानी की मामा जी कितने अच्छे से हम लोग हंसाते थे, वीडियो में कितने फनी वीडियो बना रहे थे, वो चले गए हैं तो क्या मिला किसी को, इसलिए बस यही है हमेशा सभी लोग खुश रहें, साथ में रहें। ईसा कितनी छोटी है, देखो उसके रो रो उसका बुरा हाल, दसवा दीदी का रो रो के बुरा हाल है, कौन किसके बच्चों को देखता आगे चल के, इसलिए वही देखने वाले हैं। और ठीक रहे भगवान से, बस यही है। तो फ्रेंड छोटा सा मिनी ब्लॉग था ऐसा ही सूचना देने के लिए, अगर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम बताएंगे। जय माता दी, जल्दी से वो लोग ठीक हो जाएं। अभी हम लोग वैष्णो देवी माता गए थे तो मैंने वहीं भी जितनी बुराइयाँ थी ख़त्म कर दी, मैंने किसी से कोई मतभेद नहीं रखा है। जय माता दी, सभी को प्रभु खुश रखें। जय माता दी, और जल्दी से सिवाय दी की जिया जी और ईसा के पापा टू मीटू क्या कर रहे हैं हमारे, अभी खाना रख देते हैं हम लोग। कहाँ रख दिया इसका, कहाँ रखो कल को उनको। तो फैन देखिए तो फ्रेंड आज है संडे, तो आज हम लगा रहे हैं पानी, वैसे लगाते तो डेली ये काम होता है बच्चों का। तुलसी माता बिल्कुल सूख गई है, ये देखो पथरी वाला पेड़ दूसरा हमने पत्ता लगाया था वो भी तैयार हो गया है बिल्कुल, दो दो पेड़ निकले इसमें से। ये रहा एलोवेरा, एलोवेरा से आज हम लोग तोड़ कर लगाएंगे चेहरे पर, जिससे चेहरे पर ग्लोइंग वगैरह आती है। जय माता दी, सभी बोलिए भक्तों, भगवान ने कितनी अनमोल चीज़ हम लोगों को दी है, पर हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं कि क्रीम वगैरह काम नहीं करती एलोवेरा के आगे। तो फ्रेंड आज का मौसम देखिए, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, सभी लोग टहल रहे हैं, सुबह का मौसम है, सूर्य नारायण भगवान निकल आए हैं, बच्चे लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को जीवन कितना अच्छा होता है, देखो कितनी मस्ती से खेल रहे हैं, बचपन की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड देखिए ट्रेन आ गई है, क्या कहा है आइटम कोयला वगैरह सभी रखे जाता है यहाँ पर, सामने तक बहुत ही अच्छा नज़ारा हमेशा रहता है। सबसे प्यारा हमारा पौधा है ये, सुबह
फ्रेंड देखिए टीटू इतने शैतान हैं, इन्होंने कल खाना थोड़ा खा के और बेकार कर दिया। अब जब तक इनका खाना हम लोग नया नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं खाते हैं, तो हमें इतना खाना बर्बाद करना पड़ता है। देखिए टीटू इधर आओ, इधर आओ टीटू। कटोरी को हम कपड़े से साफ करते हैं कि बीमार ना पड़ जाए, इसलिए हम लोग इसे करते हैं साफ। इनका दाना रखा है टिफिन में, ये खाते हैं सिर्फ दलिया। अरे जी कैसे तुम दलिया खाते हो, भीगो कैसे कैसे। टीटू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो बुला रहे हैं सभी को, आ जाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि टीटू कह रहे हैं भाई। तो थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं थोड़ा तभी आपको दिखाते हैं आकृति हमारी क्या कर रही है। जल्दी से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।